हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप इकोनॉमिक्स में बहुत ही पढ़ चुके होंगे और ये बहुत ही कॉमन टर्म है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड आप जानते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि डिमांड का मतलब होती है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड में, एक तो टाइम इंटरवल और दूसरा प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो फिक्स गिवन प्राइस पर गिवन इंटरवल में जितनी परचेजिंग उस प्रोडक्ट की होती है, वही उसकी डिमांड कहलाती है। और डिमांड कई बातों पर निर्भर करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सो मैनी अदर फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, इलास्टिसिटी ये बताता है कि अगर प्राइस में, किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज हम करें, तो उसकी जो डिमांडेड क्वांटिटी है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा। सबसे पहले मोटे तौर पे आप ये जानिए कि इलास्टिसिटी डिस्कस करती है दो चीज़ों को, एक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा क्वांटिटी, डिमांडेड, डिमांडेड क्वांटिटी आप कह सकते हैं। तो कुल मिला के हम इलास्टिसिटी की जब बात दिमाग में आए, तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और वो आनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हो रही है एट गिवन प्राइस, या प्राइस में हम थोड़ा सा चेंज करें तो डिमांडेड क्वांटिटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको हमें बताता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का हमने फॉर्मूला एक लिख रखा है ऊपर। इलास्टिसिटी का मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी। एक तो ये बड़ा मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, जो पहले जो न्यूमेरिकल्स थे उनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन जब डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन हुआ, तब इसका फॉर्मूला चेंज हो गया और इसका फॉर्मूला बन गया ये कि एन डी इज ईटा डी, इसे ईटा पढ़ते हैं, ईटा डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी पी। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये एक रेशियो है, किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटी और क्वांटिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जैसे मैंने दे रखी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इन क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज, देखिए परसेंटेज में है, इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी इन प्राइस व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बीइंग केप्ट कांस्टेंट। अदर डिटरमिनेंट जो है, जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको हम कांस्टेंट माने, तब ये फार्मूला लगता है। और उस केस में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाई ईटा, इसे हम ईटा पढ़ते हैं, ITA, इस साइन को पढ़ते हैं बच्चों, ईटा, ये ऐसा होता है, ये ईटा कहलाता है। तो फॉर्मूला आप क्लियर है, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, कीटा डी इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन डी। माइनस साइन ये बताता है केवल कि ये इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी का, क्योंकि अगर प्राइस में कम करोगे डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस ज्यादा कर दोगे क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये फार्मूला जो हमने यहाँ पर बताया है, इस पर हमारे पास कई न्यूमेरिकल्स होंगे, तो हम ये कह सकते हैं, अगर अगर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए तो हम कई नई बातों को जान सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो कई तरह की होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सीख आप और फर्दर स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू में चेंजेस होता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं कि व्हेन वन देखिए इटा डी, ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन का मतलब कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये साइन तो केवल ये बताते हैं कि इनवर्स रिलेशन है, तो न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है। न्यूमेरिक वैल्यू में आपने देखा यहां पर कि यहाँ पर आपने देखा कि अगर इसकी वैल्यू वन से ज्यादा और इन्फिनिटी से कम है, तो हम कहेंगे कि डिमांड
डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक। क्या हम इसमें कहेंगे कि उसमें इलास्टिक इलास्टिसिटी अवेलेबल है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आए और इन्फिनिटी से कम हो, तो मतलब 1 से ज्यादा इन्फिनिटी से कम का मतलब कि ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी और अपॉन में जो वैल्यू लिखी है मतलब इस फॉर्मूले में वो कम होगी। तो मतलब ये कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो डिमांडेड क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, ये इस चीज को दर्शाता है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो कि अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल का मतलब हो गया डिमांड इज सेट टू हैव यूनिट इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी डिमांड इज सेट टू हैव यूनिट यूनिट इलास्टिसिटी। डिमांड को हम क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिसिटी। तो ये केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस करें तो देयर इज एन इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी। मतलब इसमें देखिए 1 आया, 1 कब आएगा? जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में अगर हम कोई भी परसेंटेज चेंज करते हैं तो इन सेम चेंजेस डिमांडेड क्वांटिटी में होता है, जिससे कि उसका रेशियो जो है वो 1 है। तो इक्वल परसेंटेज चेंज होगा, मतलब इसमें प्राइस में जितना भी चेंजेस करेंगे उससे इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ पर ये चीज रखी गई। और थर्ड देखते हैं, व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड में ये दे रखा है, अब ये देखिए 1 से कम है, मतलब ये कि इस पूरी की वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम तब होगी जब नीचे की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ऊपर की क्वांटिटी कम। मतलब प्राइस में हम चेंजेस करें, प्राइस अगर हम बढ़ा दें या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उस केस में जो डिमांडेड क्वांटिटी में होगा वो कम होगा। तो हम इसको बोलते हैं इज सेट टू बी इन इलास्टिक, डिमांड इज सेड टू बी इन इन इलास्टिक। मतलब इसका ये हुआ कि गिवन परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस, देयर इज ए स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम इसमें जितना परिवर्तन कर रहे हैं इसमें तो आप ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि इनका रेशियो क्या है? 1 से कम है। तो 1 से कम तभी होगा जब ये न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। मतलब ये चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी की वैल्यू कम हो और चेंज इन प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो, तो हम प्राइस जिस रेशियो में चेंज कर रहे हैं उस रेशियो में डिमांडेड क्वांटिटी में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है। मतलब कि स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी व्हेन वी चेंज प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन हाई लेवल, मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो ज्यादा करने पर, प्राइस में परसेंटेज से ज्यादा होने पर जो डिमांडेड क्वांटिटी में है बहुत कम परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो हम इस केस में बोलते हैं कि ये इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब कि उसमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू 0 कर दें तो इसका मतलब है डिमांडेड इज सेट टू बी परफेक्ट इन इलास्टिक। अब ये 0 कब आएगा? 0 तब आता है जब ऊपर की वैल्यू 0 हो और नीचे कोई नंबर हो। ऊपर की वैल्यू 0 और नीचे कोई नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो आपकी कोई भी दी हो और इसमें कोई चेंजेस ना है तो ये 0। तो कहने का मतलब है कि प्राइस में आपने चेंज किया लेकिन उसकी डिमांडेड क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। पहले में तो कुछ चेंजेस हुआ तो हमने इन इलास्टिक वर्ड बोला, लेकिन इस केस में हम ये नाम देंगे कि इट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक। तो हम यहां लिखेंगे डिमांड इज परफेक्टली इन इन इलास्टिक। डिमांड कैसा है? डिमांड जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक। और एक लास्ट बचता है आपका, इसमें इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी कब होगा बच्चों? जब अपॉन में 0 हो, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो, न्यूमरेटर में कोई भी चीज, कोई भी नंबर लिखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि इन केस रिडक्शन इन प्राइस कास्ड बाय डिमांडेड क्वांटिटी टू इंक्रीज इनफिनिटली। मतलब हमने परसेंटेज में डिमांडेड क्वांटिटी में
जो चेंजेस किया वो चेंजेस बहुत ही नॉमिनल किया, लेकिन उसके केस में जो डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मतलब कि डिमांडेड क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अ रिडक्शन इन प्राइस कास्ड, रिडक्शन इन प्राइस्ड कास्ड क्वांटिटी डिमांडेड टू इंक्रीज इन्फिनिटी। तो ये यहाँ का मतलब हो गया, तो इस अवस्था में जब इन्फिनिटी होगा तो डिमांड डिमांडेड डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। तो हमारे ख्याल से ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, कि पांच तरह की होती है इनकी वैल्यू के बेस पे। लेकिन मुख्य आपको डिफरेंशिएशन में ये याद रखना है, इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आप इकोनॉमिक्स की कोई भी बुक उठाएं और वहां पर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।